तो क्या दोस्तों, आप भी आपके चैनल के बैनर को डिजाइन करना चाहते हो कुछ इस तरह या फिर इस तरह, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप अपने चैनल के बैनर को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा जिसका नाम है पिक्सआर्ट। अगर आपको एडिटिंग करना नहीं आता है तो भी आप 5 मिनट के अंदर अपना चैनल आर्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक ट्यूटोरियल दे दिया है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना चैनल का बैनर डिजाइन कर सकते हैं, चाहे आपको एडिटिंग आता हो या फिर नहीं। दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे। आने के बाद यहाँ पे इस तरह से कुछ लोडिंग होगा, तो यहाँ पे आपको एडिट फोटो पे क्लिक करना है, और जो मैंने वाइट बैकग्राउंड आपको दे दिया है आप उसे ले लीजिएगा। तो लेने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा, आप अपना चैनल आर्ट रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस बैकग्राउंड को ले लीजिएगा, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे लेने के बाद आपको इसका जो ओपेसिटी है इसको सेम रखिएगा, चेंज नहीं करना। उसके बाद फिर से आपको ऐड फोटो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह के जो ब्लैक PNG है इसे ले लेना है, और पूरा एकदम एक साइज में आपको कर देना है। उसके बाद फिर से और एक PNG लेंगे हम, जो ब्लैक फ़ोटो मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे आपको लेना है, और ये जो गैप आइकन है उस पर आपको फिल कर देना है दोस्तों। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे एड्स टू एज इसको फिल कर लेना है। तो फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसका जो ओपेसिटी है इस 80-85% ऐसा कुछ रख लेना है। रखने के बाद दोस्तों आपको फिर से प्लस बटन पर क्लिक करना है। तो प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर और एक PNG हम यहाँ पर ले लेंगे। अब अपना चैनल का जो लोगो होगा या फिर अपना लोगो का फोटो, तो इसे ले लेना है। लेने के बाद इसे सेट कर देना है। तो सेट करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको दाहिनी तरफ बाईं तरफ आपको लेयर मिलेगा। लेयर पे क्लिक करने के बाद इसे बैक कर देना है, मूव बैक कर देंगे तो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैं मूव बैक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसे करने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपका चैनल का यहाँ पर टेक्स्ट डाल देना है या फिर चैनल का नाम। तो टेक्स्ट आइकन से आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेके आता है। इसे एडजस्ट करने के बाद हम एक यहाँ पे PNG ले लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे भी आपको साइज जो है एडजस्ट कर लेना है। तो एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो बैनर है रेडी होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको फोटो सेक्शन में जाना है, ऐड फोटो में, और एक PNG आपको ले लेना है। सब PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस PNG को आपको ले लेना है, जो होगा आपका फोटो, आपका जो सोशल मीडिया लिंक्स है उसके लिए। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं इसको, इसे भी आपको एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो लास्ट PNG है उसे ले लेना है ऐड फोटो से। तो लास्ट जो PNG होगा आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, इसे आपको ले लेना है। लेने के बाद इसको बाई तरफ
एडजस्ट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद आपका जो चैनल बैनर बन के रेडी हो गया है, उसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको क्रॉप कर लेना है, जितना बैनर आपने रेडी किया है उसे आप क्रॉप कर लेंगे। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के नए नए वीडियोस हम लोग हर रोज़ अपने चैनल में लाते रहते हैं।